हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अभी तक आपने बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा है ना। आज आप मात्रा सीखेंगे। ओके बच्चों, स्वर होते हैं ना अ से अह तक, है ना। अ से अह तक जो स्वर होते हैं उनमें से अ को छोड़कर आ से लेकर अह तक जितने भी स्वर होते हैं उन सबकी एक मात्रा होती है। ठीक है बच्चों, उन सबकी एक मात्रा होती है। ओके, सारे स्वर की एक मात्रा होती है अ को छोड़कर। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। सबसे पहली मात्रा आ की होती है, आ से स्टार्ट होती है। तो आज हम आ की मात्रा पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों आ की मात्रा में जो साइन है आ की मात्रा का वो होता है ये आ की मात्रा का साइन है। ठीक है, ये आ की मात्रा है। आ की मात्रा कौन सी होती है? स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, ये है आ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन। ओके, आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो अब हम किसी भी व्यंजन में अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं तो उस व्यंजन की जो साउंड है उसके साथ आ की मात्रा की जो साउंड आती है आ की, ठीक है, वो उसमें प्लस हो जाएगी। ओके, उसमें प्लस हो जाएगी। जैसे बच्चों ये है क, क्या है ये क, है ना। क में हमने प्लस की आ की मात्रा, ये क्या है, ये है आ की मात्रा। ठीक है, तो देन फिनिश, ये तो फिनिशिंग लाइन है ना, ये है आ की मात्रा। जब हमने क में आ की मात्रा प्लस की तो क्या बन जाएगा यहां पर क, और ये है आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है ना। तो ये बन गया का, क्या बन गया बच्चों का। ठीक है, क में आ की मात्रा जब प्लस की तो बन गया का। ठीक है, किसी भी व्यंजन में हमने बताया ना अभी, व्यंजन में आ की साउंड भी मैच हो जाती, सॉरी मिक्स हो जाती है। ठीक है, जैसे क के साथ आ की मात्रा लगी तो बन गया का। इसी तरह से माँ के साथ माँ प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू माँ, माँ पर आ की मात्रा माँ, है ना। माँ पर आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया माँ। ठीक है, का पर लगी थी आ की मात्रा तो बना का, माँ पर लगी तो माँ। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। इसी तरह से जब हम प पर आ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है ना, प में आ की मात्रा प्लस कर देंगे तो बनेगा पा, पा। ओके, का मा पा। ओके, समझ में आया ना बच्चों आपको। ठीक है, इसी तरह से ना, ना में जब हमने आ की मात्रा प्लस की तो बना बच्चों ना पर आ की मात्रा ना, है ना, ना। ठीक है, फिर हा, जब हमने हा में आ की मात्रा प्लस की तो क्या बनेगा बच्चों हा। ठीक है, अब आपको समझ में आया ना आ की मात्रा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये जब हम किसी भी व्यंजन में आ की मात्रा लगाएंगे तो उस व्यंजन की साउंड के साथ आ की साउंड भी प्लस हो जाएगी। ओके, तो हम एक साथ बोलेंगे, जैसे क पर लगाई तो का, जब माँ पर आ की मात्रा लगी तो बना मा, पा, ना, हा। ओके बच्चों, इसी तरह से हम अब शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप अपने बुक ओपन कीजिए, स्वरलोक, स्वरलोक में आ की मात्रा वाला चैप्टर है ना, वो ओपन कीजिए। ओके, तो पहले हम बुक पढ़ेंगे, उसके बाद हम और वर्क करेंगे। ओके, तो बच्चों आपने अपनी बुक ओपन की ना, स्वरलोक पेज नंबर 8 है ना, आ की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं आ की मात्रा के जिन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इधर देखेंगे आप, अ,
न पर क्या लगा है? आ की मात्रा, है ना। तो क्या बन गया बच्चों, अभी बताया ना मैंने आपको, न पर आ की मात्रा लगी, बना ना, ना र, अ ना र, अनार। इसी तरह से आगे देखो, आ ग आग, ट म पर आ की मात्रा है, क्या बना, मा, ट र टमाटर। ए का एक, त पे आ की मात्रा ता, र पे आ की मात्रा रा, तारा, एक तारा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अब हमें ये सारे शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ बोलेंगे, न पे आ की मात्रा ना, म नाम, जा, अब आ की मात्रा लगी है तो हम आ करके बोलेंगे ना, आ की साउंड मिला के बोलेंगे। ठीक है, जा ला, जाला, का ला, काला, हा ल हाल, मा न मान, आ म आम, मा ता माता, दा ल दाल, तारा तारा, भाला भाला, रा म राम, ना क नाक, बा ल बाल, आ ग आग, ला ल लाल, जा ल जाल, हाथ हाथ, ता ला ताला, दा ग दाग, का न कान। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, सारे शब्द पढ़ने हैं, तो आपको सारे शब्द पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ठीक है। इसी तरह से अभी ये दो दो अक्षर वाले पढ़े हैं ना, ठीक है, अब तीन अक्षर वाले भी हैं, इनमें आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो मिला के पढ़ेंगे, बा द ल बादल, ठीक है, चा व ल चावल, ग म गम, ला गमला, आ का श आकाश, छा ता छाता। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए फिर अब हम बच्चों कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो हमारी बुक में ही एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हमें करना है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह करना है, पेज नंबर 10, फिर आप उसी तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें आ की मात्रा लगाओ और शब्द बनाओ, है ना। जैसे अभी तक हम दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले प्लस करके शब्द बना रहे थे ना, इसमें बच्चों एक आ की मात्रा और प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जहाँ पर इन्होंने स्पेस दी है ना, यहाँ पर हमें आ की मात्रा लगानी, आ की मात्रा ये हो गई, है ना। उसके बाद हमें यहाँ पर मिला के लिखना है, जैसे क, तो यहाँ लिखेंगे क, फिर आ की मात्रा है, है ना, तो यहाँ लगाएंगे आ की मात्रा, ज, फिर ज, फिर ल, तो यहाँ लिखेंगे ल। समझ में आया ना आपको, तो ये क्या बन गया बच्चों, का जल, जल का जल, का जल। ठीक है, इस तरह से आपको ये जितनी भी स्पेस छुटी हुई ना, इनमें आ की मात्रा लगानी है, डैश मिला है जहाँ पर, जहाँ डैश लगा है वहाँ पर आ की मात्रा लगानी है। यहाँ पर जैसे आ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर भी डैश है, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगा, अब मिला के यहाँ सारा शब्द बना देंगे एक। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारे शब्द यहाँ पर बनाने हैं। ओके बच्चों, फिर दूसरा पॉइंट है, चित्र पहचान कर उपयुक्त शब्द के आगे टिक का चिन्ह लगाओ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें चित्र देखना है, किसका बना है, क्या है ये बताओ, टमाटर। ठीक है, तो बच्चों ये गाजर है, नहीं ना, आम है, नहीं, क्या है ये, टमाटर, है ना। तो हम टमाटर के आगे टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, यह छाता है ना। तो छाता कहाँ लिखा है, ये लिखा है छाता, है ना, अनार नहीं है, ये छाता है, पालक भी नहीं है, है ना, छाता है, तो छाता के आगे टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्या बना है बताओ, ये है आम, है ना, तो आम माला गमला, क्या है ये, आम, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम आम में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है, बाग, जहाज, चरखा, क्या है ये, ये चरखा, वेरी गुड, ये चरखा, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये वर्क भी आपको बुक में करना है ना। फिर है पॉइंट नंबर 3,
उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरो। राजा लाया था आम या घर? घर ला सकता है राजा? नहीं ना, आम लाया था। तो इसके इसमें क्या भर देंगे, ये शब्द यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? ऐसे आ म आम, ठीक है, राजा आम लाया था। इसी तरह से बच्चों ये आपको अपने आप करना है, मैं समझा देती हूँ। अमन एक लड़का था, पागल समझदार, पागल या समझदार? समझदार है ना, तो यहाँ लिखेंगे समझदार। वह मामा का करता था, आदर या अनादर? आदर, वेरी गुड, तो यहाँ पे ये आदर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। राम बजा, मामा या बाजा? बाजा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बाजा, ठीक है। इस तरह से ये तीनों एक्सरसाइज अपनी बुक में ही करनी है आपको, ये कॉपी में नहीं करनी है बच्चों, ठीक है, ये बुक में ही करनी है, ओके। चलिए अब हम बोर्ड पर आ की मात्रा के 10 शब्द लिखेंगे, ओके, ठीक है, उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है, आ की मात्रा के 10 शब्द लिखेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम आ की मात्रा के शब्द लिखेंगे, 10 शब्द, ओके, ठीक है ना, जो हमने अभी अपनी नोटबुक में करने हैं, ओके। तो ये 10 शब्द जो है मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, यही शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। तो बच्चों आ की मात्रा का पहला शब्द कौन सा होगा बताओ, अभी हमने पढ़े ना बुक में शब्द, है ना, तो कौन कौन से होते हैं? माला है ना, माला, मौ पर आ की मात्रा मा ला, माला है ना, माला, मा ला, माला। रा जा, राजा। और ना र अनार। छा ता छाता। ब पर आ की मात्रा जा, बाजा है ना। ट मा ट र टमाटर। आ मा आम। पा ल क पालक। दा दा दादा। मा मा मामा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये 10 शब्द मैंने लिखवा दिए हैं आपको, ये जो वर्क है अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वर्क आपको नोटबुक में करना है ना। अब अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से वर्क करना है, ठीक है, कहाँ पर डेट मेंशन करनी है और कहाँ सेंडमेंट लिखना है, ओके बच्चों, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए। बच्चों ये नोटबुक में आपको इस तरह से वर्क करना है ना, नेम, यहाँ पे क्लास, सेवन्थ असाइनमेंट, डेट और यहाँ पर गृह कार्य, ठीक है, और फर्स्ट लाइन में आ की मात्रा के 10 शब्द, ओके, और जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखाए हैं ये सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, ओके, इस तरह से ये वर्क करना है,
नोटबुक में बस सिर्फ यही एक वर्क करना है बच्चों, ठीक है। बच्चों आपको अच्छे से आ की मात्रा समझ में आ गई होगी, है ना। तो जो एक्सरसाइज हमने बुक में करनी है स्वरलोक में, वो बुक का वर्क भी आप होमवर्क में करके भेजना बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे बुक में वर्क नहीं करते हैं, कुछ नोटबुक में नहीं करते हैं, तो जितना भी वर्क आपको बुक में या नोटबुक में कराया जाए वो प्लीज सारा कंप्लीट करके तब आप मेल सेंड कीजिए, ओके बच्चों, ठीक है। तो आपको सारा वर्क करना है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर।